Good morning students, now welcome in class 6. I am your Hindi teacher. Today I will teach you chapter 1st, Bhasha, Vyakaran aur Lipi. First of all, इस chapter में हम ये जानेंगे कि भाषा, व्याकरण और लिपि किसे कहते हैं. भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरे की बात समझ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप क्लास में एक दूसरे से बातें करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं. ओके, नाउ भाषा के रूप. भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित. सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक भाषा. मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो हम अपने मुख से बोलकर और कानों से सुनकर अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वार्तालाप, दूरदर्शन, दूरभाष, वायरलेस आदि. नेक्स्ट, लिखित भाषा. लिखित भाषा में वह हम सभी अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, समाचार पत्र, पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल, पुस्तक आदि. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारी राष्ट्रभाषा. जो सभी को पता है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी. तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं. 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है. यह हमारी राष्ट्रभाषा है. ओके, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं. हमारे संविधान के द्वारा हैं 22 यानी कि 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, मणिपुर. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिपि. लिपि क्या किसे कहते हैं? लिपि जो हमारी जो भाषा होती है उसके लिखने का ढंग लिपि कहलाता है. ओके, और प्रत्येक जो हमारी भाषा होती है यानी कि लैंग्वेज जो होती है उसकी अलग अलग लिपि होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, उर्दू की फारसी, तेलुगु की तेलुगु, संस्कृत की देवनागरी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्याकरण. व्याकरण किसे कहते हैं? ऐसा शास्त्र जिसके नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसे व्याकरण कहते हैं. सिंपल तौर में जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम शब्द बोलते हैं उनको शुद्ध रूप से बोलना व्याकरण कहलाता है. व्याकरण के चार अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार. अब इसमें भी थोड़ा है वर्ण विचार क्या होता है. इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, भेद एवं शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है. शब्द विचार, इस भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति एवं बनावट पद विचार पर किया जाता है. पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं. पद विचार के अंतर्गत पद तथा उसके भेदों एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है. वाक्य विचार, इस भाग के अंतर्गत वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारी बोली, यानी कि बोली. भाषा और बोली में काफ़ी अंतर होता है क्योंकि हर राज्य में यानी कि हर शहर में अलग अलग बोली बोली जाती है. हर क्षेत्र की को ही बोली कहा जाता है, यानी कि हर क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल है, जैसे हरियाणा की हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, भोजपुर में भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि. ओके,